बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट के दो पदों पर बैठे होने के को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। हालांकि अजय भट्ट ने पार्टी में किसी भी तरह के घमासान से इनकार किया है। उनके मुताबिक पार्टी नेताओं का किसी मुद्दे पर बात रखना कोई गलत नहीं है। अजय भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। इन दिनों उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। क्या है बीजेपी के ताजा सियासी हालात, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी। भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी में घमासान क्यों मचा हुआ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है कैसा घमासान है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बीजेपी की अभी पर्दाफाश रैली हुई है और हमारे युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के तथा किसान मोर्चा के कार्यक्रम चले हैं। घेरा डालो डेरा डालो ये कार्यक्रम चला है। गांव में हम लोग हर बूथ तक हमारी टीमें जा रही हैं। तो कहां पर घमासान हो रहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया और न है कहीं पर भी। हाल ही में हुई कोर कमेटी की बैठक में भगत सिंह कोश्यारी जी की गैर मौजूदगी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आपके दो पदों को लेकर के जो बयान है, इसे क्या समझा जाए? पहली बात यह है कि माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी कहीं से कहीं तक नाराज नहीं है, क्योंकि जिस तारीख पर हमारी कोर कमेटी की बैठक थी उस दिन उनके पर्दाफाश रैली की जो हमने उनको शहर दिए थे उन पर उनको रैली करनी थी, क्योंकि वो पहले दिन जब रैली स्टार्ट हुई तो उनकी कमेटी केरल में गई हुई थी। इसलिए उन्होंने ये बेहतर समझा कि कोर कमेटी से पहले हम काम करें। अगर वो घर बैठ जाते या कोई खिलाफत में बयान देते या कोई गलत बात करते तब तो हम समझ सकते थे नाराज हैं। उनके नाराज होने का क्या औचित्य है, कहीं से कहीं तक नहीं। वो पार्टी के वरिष्ठ हैं, पार्टी के ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, आज सांसद हैं, इससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। जो अध्यक्ष रहा होता है वो पार्टी की सारी थीम को जानते हैं, तो इसलिए नाराजी का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि भगत सिंह कोश्यारी जी, खंडूरी जी कोई नाराज होंगे। मैं नहीं मानता, इसको है भी नहीं, मेरी हमेशा बात हो रही है उनसे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी भले ही जो भी दलीलें पेश कर रहे हों, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में आखिर बीजेपी के अंतर्कलह का किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। देहरादून से अपने सहयोगी कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, इंडिया 24/7।